नमस्ते, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंकिता शर्मा। आज का प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर के प्रत्येक ऊतक को कैसे मापें? क्या हमारे पास दोष प्रकृति विश्लेषण की तरह ऊतकों का आकलन करने का कोई तरीका है? आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्रिदोष, पाचन अग्नि, शरीर के सभी ऊतक और घटक, सभी शारीरिक प्रक्रियाएं पूर्ण सामंजस्य में होती हैं। आत्मा, इंद्रियां और मन पूर्ण संतुष्टि और आनंद की स्थिति में होते हैं। चरक संहिता के 21वें अध्याय के सूत्र स्थान श्लोक क्रमांक 18-19 में महर्षि चरक एक स्वस्थ मनुष्य की मजबूत अवस्था की विशेषताओं को इस प्रकार बताते हैं। सम मांस प्रमाणस्तु सम सहननु नरः दृढ़ेन्द्रिय विकाराणाम बलेन अभिभूयते शुद्ध पिपासा आतप सह शीत व्यायाम समसह संपक्ता समजरह सम मांस चयोमतः। इस श्लोक का अर्थ है कि सम मांस प्रमाणस्तु अनुपातिक मांसलता, सम सहननो नरह शरीर की सघनता, दृढ़ेन्द्रियो मजबूत इंद्रियां, विकाराणाम बलेन अभिभूयते रोगों के हमले से अडिग, शुद्ध पिपासा आतप सह भूख प्यास और सूर्य की गर्मी को झेलने की क्षमता, शीत व्यायाम समसह ठंडे तापमान और शारीरिक व्यायाम को झेलने की क्षमता, संपक्ता समजरह भोजन को आसानी से पचाने और आत्मसत करने की क्षमता, सम मांस चयोमतः एक मजबूत पेशीय शरीर होना। संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण शरीर के सभी ऊतकों की स्वस्थ स्थिति का संकेत हैं। आयुर्वेद में बड़े हुए और घटे हुए ऊतकों के लक्षणों का उल्लेख भी है, यानी शरीर में वृद्धि और क्षय के लक्षण। उदाहरण के लिए मेदो धातु वृद्धि नामक वसा ऊतक की वृद्धि, थकान, सांस की तकलीफ और नितंबों, स्तनों और पेट की शिथिलता के साथ प्रस्तुत करती है। मेदो धातु क्षय नामक वसा कमर में सनसनी की कमी, प्ली का बढ़ना, क्षीणता जैसी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। आयुर्वेद में समझाई गई एक और अवधारणा है, धातु सार पुरुष, या किसी व्यक्ति में एक विशेष ऊतक की उत्कृष्टता, जहां एक व्यक्ति एक विशेष धातु ऊतक के साथ अधिक प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए एक अस्थि सार पुरुष या समृद्ध अस्थि ऊतक वाले व्यक्ति में उसकी एड़ी, टखने, घुटने, अग्रभाग, कॉलर बोन, ठुड्डी, सिर, छोटे जोड़ और हाथ और पैरों की हड्डियां, नाखून और दांत बड़े और मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति में बहुत उत्साह, सक्रियता, सहन शक्ति, मजबूत स्थिर शरीर और लंबा जीवन होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurved.com पर जाएं।